गाइस नमस्ते यार। फाइनली जो है सीयूईटी का स्कोर कार्ड आपको अपने हाथ में आ चुका है। वहां पे आपको दो प्रकार की परसेंटाइल दी गई है। भैया ये जो परसेंटाइल दी गई है इट्स ओके, अब हम करें क्या? आखिरकार हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए शिकार के लिए, और आखिरकार हम कैसे करें शिकार यूनिवर्सिटी का, क्या सारा प्रोसेस है, कैसे हमें मिलेगा एडमिशन, कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले। तो वीडियो में जो एंड तक जरूर बने रहिए। राइट सर, आपको एक स्कोर कार्ड मिला होगा, बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा, काफी सारे बच्चों की क्वारी जा रही कि भैया हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, हम करें तो करें क्या। हमको जो है फाइनली एक स्कोर कार्ड मिल गया, उसके ऊपर दो तरह की परसेंटाइल दी गई है, एक इधर परसेंटाइल है और एक उधर परसेंटाइल है, बीच में एक लाइन दी गई है। ओके, अब परसेंटाइल के अंदर हमारे जो है 20 परसेंटाइल आ रहा है, किसी में 15 आ रहा है, किसी में 18 आ रहा है, किसी में 100 आ रही है। तो हम क्या करें, अब हमारे जनरल टेस्ट इंग्लिश के अंदर 80 आ रही है। राइट, अब एडमिशन का क्या सारा सीन रहने वाला है, हमको जो है बीएससी करना है। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो बीटेक करना है, ठीक है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशली आईटी डिपार्टमेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो क्या सारा सीन रहने वाला है एडमिशन का, और हाउ टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटीज। ओके सो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यार जैसे आपको ये आ चुका है, आपके पास स्कोर कार्ड आ गया, स्कोर कार्ड के नीचे आप लोग अगर देखोगे तो आपको कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम लिखे हैं, ठीक है। आप नीचे चेक करो, आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर नाम लिखा हुआ है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU, DU, जितने भी कॉलेजेज है, जितने ज्यादा कॉलेजों के नाम है उतना ही ज्यादा अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से कोर्स सेलेक्ट किए थे और कौन कौन से कॉलेजों को सेलेक्ट किया था। अब आपको क्या करना है, आपने जितने भी नाम लिखा है, ठीक है, जैसे आपने को फर्स्ट नंबर पे आपके को जस्ट लाइक जो भी आपका स्कोर कार्ड है मान लो उस पे लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर कर देना है। मान लो दूसरा ऑप्शन आपके कॉलेज पे नाम लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। अब यार ये प्रोसेस उतना ज्यादा आसान है नहीं, ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड प्रोसेस है, पहली बार हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ेगा, हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर ये थोड़ा सा सिंपल हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा कंजेस्टेड है ये। ओके, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लॉ में एडमिशन लेना है, यार इंडिया में जो है लॉ के बारे में वगैरह में गाइड करने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है, फार्मेसी वगैरह हो गया, ठीक है, होटल मैनेजमेंट वगैरह, इनको गाइड करने वाले काफी कम लोग हैं। राइट, सो यार इसके लिए जो हमारी पेड काउंसलिंग प्लान चलती है, जिसके अंदर जो भी आपका सारा का सारा एडमिशन प्रोग्राम है वो हमारी टीम जो है कंप्लीट करके देती है, तो उसके लिए जो नीचे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके अंदर आपको बेसिकली कुछ नहीं करना होता, कुछ ही चार्जेस के अंदर जो है आपका सारा का सारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करा दिया जाता है, ठीक है, स्पेशली चाहे वो जूम हो, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ठीक है, आपको जस्ट लाइक जो भी आपका कंप्लीट प्रोसेस है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा आपको मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, अगर आपको CUET में नहीं मिल रहा देना, आपको कौन सा अच्छा कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो सारा का सारा हम गाइड करते हैं। इसके लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ एडमिशन का क्या सारा सीन है। कोई स्टूडेंट है जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, MSc करना है फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो वो क्या करेगा, उस बच्चे को अभी ये करना है कि जस्ट उस वेबसाइट पे जाओ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहां पे आपका पोर्टल खुलेगा, सम्राट का ही होगा ऑलमोस्ट, ऐसे जो भी आपने ये स्मार्ट का जो पोर्टल है, ठीक है, जहाँ पे हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम हर यूनिवर्सिटी के पास पोर्टल देखने को मिलेगा, जैसे CUET जो भी है .samrat.ac.in ऑलमोस्ट, यार ये डेटा जो है सम्राट पोर्टल से ही जाएगा, तो पिछले साल हर कॉलेजों के पास सम्राट पोर्टल ही था, वो डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज वो, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, इसके अंदर बीटेक के कोर्सेज भी अवेलेबल है। और राइट, सो यार सब कॉलेजों के जो है पोर्टल जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही किसी भी कॉलेज का पोर्टल स्टार्ट होता है आई विल डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि किसका पोर्टल स्टार्ट हुआ है, किसका नहीं हुआ है। राइट, सो आपको अब ऐसा करना है सारा सीन कि जो भी कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी कॉलेज को आपने फिल किया था एडमिशन के टाइम पे, उस कॉलेज में कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए, वो कॉलेज आपसे कुछ फीस भी चार्ज कर रही है, तो वो जो है आप अपनी फीस भी वहाँ पे कर सकते हो, बहुत सारे कॉलेज फ्री भी है, वो चार्ज भी नहीं कर रही है कुछ। राइट, या फिर आप जस्ट मेरा जस्ट लाइक हमारा एडमिशन प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो सकते हो, काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया, तो आप भी एनरोल कर सकते हो इन दिस एडमिशन प्रोग्राम फॉर 2022, जिसके अंदर जो है हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं टू गेट द एडमिशन। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। और भी कोई क्वारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हेल्पलाइन नंबर दिया गया उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास कोई वीडियो एडिटर्स हो, ठीक है, कंटेंट राइटर वगैरह हो, तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है स्पेशली फॉर वीडियोज, ठीक है, थैंक यू।